नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों, मेरे सामने जो पौधा आज देख रहे हैं ये है सल्विया। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सल्विया प्लांट्स भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। इसका बहुत सारा कलर है, तो आप देख ही सकते हैं ये बिल्कुल डीप रेड है, ये थोड़ा सा हल्का शेड में रेड है, तो ऐसे जो है पर्पल है, वाइट है, तो ऐसे बहुत सारा कलरों में जो है ये सल्विया जो फ्लावर है वो खिलता है। तो दोस्तों, ये सल्विया के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप इसको जो है लंबे समय तक इसका फ्लावरिंग आपको मिल सकता है। तो उसके लिए कौन सा बातों की ध्यान देना है, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो सल्विया प्लांट आप देख रहे हैं ये करीबन 7-8 सल्विया जो कि मैंने बिल्कुल सीडलिंग्स लाके मैंने इसको ग्रो किया। तो जो सीडलिंग्स था वो करीबन 2 इंच का था। अभी देखिए कितना अच्छा बुशी बना हुआ है। इसको डायरेक्टली जो है आप बड़े पॉट में इसको मत डालिए, तो छोटे मतलब 3-4 इंच का जो पॉट है उसमें आप इसको पहले जो है ग्रो कीजिए। जैसे ही पौधा 4-5 इंच या 6 इंच का हो जाता है तो फिर आप उसको जो है ट्रांसफ़र कीजिए बड़े पॉट में, जो कि 8 या 10 इंच का पॉट में। तो आप देख ही सकते हैं ये जो है 8 इंच का जो पॉट है इसमें मैंने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद देखिए कितना अच्छा इसका ग्रोथ भी हो चुका है और कितना अच्छा फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर चुका है। तो ये फ्लावरिंग जो है लंबे समय तक आपके पास टिका रहेगा और बहुत देर तक जो है ये फ्लावरिंग जो है करता रहेगा, अगर आप थोड़ा कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट जो है दोस्तों, तो इसका सॉइल जो है दोस्तों वो एक तो वेल्डेंट होना चाहिए और इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर्स आप होना चाहिए, जैसे काउडंग मैन्योर या तो बर्मी कंपोस्ट या तो लीप कंपोस्ट आप उसमें मिक्स करेंगे तो आपका सल्विया प्लांट जो है बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो सॉइल मिक्सचर में जैसे 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% जो है सैंड और बाकी 10% जैसे नीमखली देन बोन मिल, ये सारे जो है मिला के बाकी 10% आप उसको दे सकते हैं और उसका सॉइल मिक्सचर आप तैयार कर सकते हैं। तो सॉइल में ज़रूर फंगिसाइड्स डालिए, सैप फंगिसाइड्स 1/2 स्पून, जितने पॉट आप तैयार करेंगे उसी हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका वाटरिंग की मैं बात करता हूँ। दोस्तों ये जो है इसका मॉइस्चर इसमें मेंटेन करना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें अभी जो है मैं आज सुबह वाटरिंग नहीं किया तो उसका जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, तो ये इसका जो लिप्स है देखिए ये मुरझा रहा है, मतलब नीचे की तरफ विल्ट हो रहा है, तो नीचे की तरफ झुक रहा है ये जो लिप्स है। तो इसलिए जो है दोस्तों इसका सॉइल जो है इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो कल सुबह मैंने वाटरिंग किया वो सूख गया, आज सुबह नहीं किया तो ये जो पौधा है ये पौधा देखिए आप मतलब ये मुरझा रहा है। तो बाकी जिसमें मॉइस्चर है वो नहीं मुरझाया, देखिए आप जैसे ये वाला है तो बाकी सारा जो है, लेकिन इस प्लांटर्स में देखिए बिल्कुल जो सॉइल है ये बिल्कुल सूख चुका है, तो इसलिए ये जो है मुरझा रहा है। तो दोस्तों इसको ओवर वाटरिंग मत कीजिए, पानी रेगुलर बेसिस पे दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें मेंटेन रखिए, तभी आपका प्लांट जो है अच्छा ग्रोथ करता है और अच्छा फ्रेश रहता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो है इसका पिंचिंग की मैं बात करता हूँ, क्योंकि पिंचिंग इसके लिए एक फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मतलब ना शुरू में इसमें फ्लावरिंग आने की फ्लावरिंग का स्टॉक निकलता है तो वो फर्स्ट पिंचिंग जो है उसी टाइम कर देना चाहिए ताकि आपका पौधा जो है बुशी बने। तो देखिए ये फर्स्ट पिंचिंग मेरे ख्याल से आपको मैंने शेयर भी किया था, तो फर्स्ट पिंचिंग के बाद देखिए ये प्लांट्स जो है कितना अच्छा बुशी बन गया, कम से कम 6-7 जो है इसका ब्रांचेस निकल गया और हर ब्रांचेस में अभी देखिए इसमें बड्स मतलब अपना फ्लावर ये जो स्टॉक है निकलना शुरू हो गया। तो आपको जो है इसको लंबे समय तक रखने के लिए इसका जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस प्लांट को जो है एक ये सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे, मॉर्निंग का जो है 2-3 घंटे की अगर सन मिल जाए या तो छानी हुई धूप इसको मिले तो फिर ये पौधा जो है इसका जो फ्लावर है लंबे समय तक आपका पौधे में टिका रहेगा। कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन इसके ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं इसके अंदर से भी एक जो है पेटल्स निकलता है बाद में, तो वो जब पूरा खिल जाता है तब धीरे धीरे जो है इसका
जो समय है वो सूखने का, तो जैसे मतलब पूरा स्टॉक आपका निकल जाता है, सूख जाता है, तो फिर उसको आप तोड़ दीजिए। तो तोड़ने के बाद आप साइड से देखेंगे कि और सारा जो है ब्रांचेस आप निकल जाता है और फिर दोबारा जो है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। तो इसलिए इसको इसका स्टॉक जो है पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे उस स्टॉक सूख जाता है। तो ये जो है आपको लंबे समय तक जो है फ्लावरिंग आपको देगा अगर आप थोड़ा सा जो है इसका केयर रखेंगे। तो एक तो जो है दोस्तों इसका सनलाइट का, अगर आप इसको अभी इस वक्त जो है इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेंगे, मॉर्निंग 2-3 घंटे की शान या तो छानी हुई धूप इसको पूरे दिन को मिले, तो फिर ये बहुत दिन तक आपका फ्लावरिंग करता रहेगा। इवन अब अगर आप इसको ठीक से केयर करेंगे तो आपको साल भर जो है आपके पास ये पौधा बने रहेगा। आप इसको कटिंग से फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पौधा तैयार कर सकते हैं और फ्री में जो है आपको पौधा जो है दोबारा मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है फर्टिलाइज़र का तौर पे DAP, जैसे 20-25 दिन के बाद जो है DAP मैंने इस्तेमाल किया था, तो DAP डालने से मतलब पौधे का जो ग्रोथ है और जो रूटिंग है वो रूटिंग भी अच्छा होता है, और रूटिंग अच्छा होता है तो फिर पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होता है। जो DAP का दाना है, तो जैसे 8 इंच का पौधा है, आप 8 से 10 दाना जो DAP का है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने डालने के बाद ये पौधा जो है देखिए हेल्दी बना हुआ है। उसके बाद उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप मस्टर्ड केक पाउडर जो है उसको भिगो के उसका पानी आप इसको देंगे 15-20 दिन में एक बार, तो फिर ये पौधा जो है आपका बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो जब तक इसमें फ्लावरिंग करता रहेगा तब तक आप इसको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। आप ये एक फ्लावरिंग ख़त्म होगा, आप उसका स्टॉक अगर आप पिंचिंग कर देते हैं तो फिर दोबारा जो है ब्रांचेस निकाल के उसमें फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसलिए विंटर में आप ग्रो करके इसका फ्लावरिंग जो है बहुत दिन तक, जैसे अप्रैल मई महीना तक जो है आप इसमें से फ्लावरिंग आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो केयर मैंने आपको बताया, अगर इतना ध्यान देंगे तो आपका सेल्विया जो फ्लावर प्लांट है बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा और लंबे देर तक अच्छा मतलब कहना फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों चलिए, ओवर वाटरिंग से इसका रूट्स में जो है फंगस जल्दी लग सकता है या तो रूट्स भी सड़ सकता है, आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सेल्विया प्लांट जो है कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं ईजिली, मतलब अगर आप इसको ठीक से केयर करके आप बचा के रखेंगे नेक्स्ट ईयर में भी आप इसको कटिंग से बहुत सारा प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।